जबलपुर महानगर पालिका के घन कचरा व्यवस्थापन समिति की ओर से घन कचरा प्रबंधन के विषय में ठोस कदम उठाए गए हैं, जहां अब संगणकीय तरीके से कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। जहां जानकारी देते हुए घन कचरा व्यवस्थापक डॉक्टर गजेंद्र महल ने बताया कि नागपुर नगर निगम के घन कचरा प्रबंधन विभाग ने घरेलू कचरे के संग्रह और शौचालयों की सफाई में आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जहां नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी एवं अपर आयुक्त आंचल गोयल के मार्गदर्शन में इन प्रणालियों का विकास एवं उपयोग किया जा रहा है। जहां नागपुर स्मार्ट सिटी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर से मनपा के 9 कर्मचारी 2 पालियों में मनपा मुख्यालय में एजी एनवायरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड व में बीवीजी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी स्मार्ट घड़ियों का उपयोग कर रहे हैं और शौचालय की सफाई की निगरानी कर रहे हैं। जहां महानगर पालिका के जोनल स्वच्छता अधिकारियों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, जमादारों और सफाई कर्मचारियों को स्मार्ट बेल दी गई है और निर्धारित कार्य समय के दौरान सुबह 6 बजे के बाद ड्यूटी पर आने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है और सामुदायिक शौचालयों की सफाई के लिए ब्रिक्स एजेंसी को नियुक्त किया गया है। शहर के 218 सामुदायिक शौचालय व मुद्रालय की सफाई का जिम्मा उन्हें दिया गया है। इसमें 1433 सीटें हैं और इसकी साफ सफाई के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस एजेंसी के कर्मचारियों को हर सीट को साफ करने के बाद उसकी फोटो ऐप में ही अपलोड करनी होगी। प्रत्येक सीट पर नंबर लगाए गए हैं और जियो फेसिंग भी की गई है। फोटो लेते समय सीट पर दिया गया नंबर दिखना चाहिए। ऐप मॉनिटरिंग के अलावा क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक व्यक्तिगत दौरे भी कर रहे हैं। इस समय पूरी प्रौद्योगिकी यंत्रणा को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने का आह्वान अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल ने किया है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं आज आप कमांड कंट्रोल सेंटर जो नागपुर महानगर पालिका के 6th फ्लोर पे सिचुएटेड है, यहाँ पे हमने पूरी घन कचरा व्यवस्थापन की जो प्रणाली है उसको मॉनिटर करने का एक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे हम 3 तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं। पहली जो चीज़ है वो हमारे खुद के जो 6000 कर्मचारी हैं जो रस्ते पर सफाई के लिए लगाए जाते हैं, उनकी अटेंडेंस की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी के साथ में वो सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट, जैसे कि कमर्शियल एरिया के स्वीप की जो झाड़ू लगाने की टाइमिंग है वो भी हमने इस तरीके से किए हैं कि हर कमर्शियल एरिया कम से कम 2 बार दिन में और स्पेसिफिकली रात में जहाँ जब गर्दी कम होती है उस समय पे उस एरिया की सफाई की जाए, इसका यहाँ पे प्रयास किया है। दूसरा जो नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है वो है कि घन कचरा गाड़ी जो आती है आपके घर पे कचरे कलेक्शन के लिए, हर रोज़ वो गाड़ी आना अपेक्षित है। उन गाड़ियों की ट्रैकिंग का हमने यहाँ सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है। हर गाड़ी पे GPS लगाया गया है, हर गाड़ी को निर्धारित रूट दिया गया है और उसी रूट पे कुछ स्टॉप्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो सभी का मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इस बारे में नागरिकों को भी इत्तला करना चाहूँगी कि अगर आपके घर पे गाड़ी दर रोज़ नहीं आ रही है तो आप NMC को संपर्क करें। हमारा ऐप है, उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल पे भी आप एड्रेस कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ हम तीसरी जो यहाँ पे चीज़ ट्रैक कर रहे हैं वो हमारे टॉयलेट क्लीनिंग जो है, जो हमारी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसकी क्लीनिंग की व्यवस्था आज तक 2 शिफ्ट्स में की जा रही थी, आने वाले दिनों में 3 शिफ्ट्स में की जाएगी। उसकी पेमेंट निकालने के लिए भी हमने एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया है जिसमें हर टॉयलेट की फ़ोटोग्राफ हर 3 शिफ्ट में इस सिस्टम पे डाली जाती है। हमारे कर्मचारी उनको ट्रैक करते हैं। इससे हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि हमारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, वो 3 शिफ्ट में क्लीन किए जाएं और उसी हिसाब से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शक तरीके से उसका पेमेंट भी किया जाए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।